नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड विधानसभा से 1932 आधारित स्थानीयता विधेयक और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का विधेयक पास हो गया। ये होना ही था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि उसका विरोध कर सके और कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता खुलकर इसके विरोध में बोल सके, इतनी हिम्मत तो कोई नहीं कर सकता था। जो हालात बने हैं, जिस तरह की भावनाएं जुड़ी हैं, तो लिहाजा बस हर किसी ने समर्थन कर दिया कुछ किंतु परंतु के साथ। लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से सोच रहा था। ये सोच रहा था कि हेमंत सोरेन लगातार चौका और छक्का जड़ते जा रहे हैं सियासत की बिसात पर। एक तरफ भ्रष्टाचार वाला प्रकरण जो चल रहा है, उनको ईडी के सामने पेश होना है, उनके साथ चाहे जो हो, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पोजिशनिंग झारखंड के राजनीति में इतनी मजबूत पकड़ उन्होंने बना ली है कि आज कोई और नेता झारखंड का उनके आसपास भी नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपने 3 आदिवासियों को मौका दिया था, मधु कोड़ा को कैसे बर्बाद किया ये झारखंड की जनता ने देखा, अर्जुन मुंडा के साथ क्या हुआ और आज वो कहाँ हैं, इसे जनता बखूबी समझती है कि किन हालातों में उन्हें राज्य की राजनीति से अलग किया गया। और तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया बाबूलाल मरांडी का, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और वो लाख प्रयास करें, लेकिन बकौल हेमंत सोरेन उन्होंने कहा कि वो उस पार्टी में हैं जो हमेशा से मूलवासी आदिवासी विरोधी पार्टी रही है। हर किसी को पता है कि जो 1932 वाला विधेयक है या जो ओबीसी वाला विधेयक है, इसमें कई टेक्निकल खामियां हैं, वो शायद तुरंत लागू न हो सकता है केंद्र के पाले में डाल दिया जाए, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी छवि तो निखार ली है। आज झारखंड के गली चौराहे सड़क आप कहीं भी जाएं, एक ही चर्चा है कि कैसे भी पास किया, लेकिन 1932 पास तो कर दिया। और इस नैरेटिव का काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढ नहीं पा रही है। इधर उधर के तमाम तर्क दिए जा रहे हैं कि कैसे होगा, गैर संवैधानिक है, 77% तक रिजर्वेशन हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसमें वो 1932 वाले में भी यही कहा जा रहा है कि 1932 क्यों, अंतिम जो जमीन का सर्वे हुआ था उधर उसे आधार माना जाए, लेकिन जनता कुछ सुनने को तैयार है नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल से ज़्यादा भावनात्मक मुद्दा है, ये पहचान से जुड़ा मुद्दा है और जिसे भारतीय जनता पार्टी समय रहते समझ नहीं सकी। और इसकी पृष्ठभूमि उसी वक्त तैयार हो गई थी जब रघुवर दास की सरकार में भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था और जिस तरह उस समय रोष देखा गया था और एक जमीन तैयार होनी शुरू हो गई। उसके बाद आप चुनाव परिणाम देखें, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों में एसटी रिजर्व सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का हाल देखें, और उसके बाद हेमंत सोरेन के पिछले 3 सालों में एक के बाद एक, चाहे वो नेतरहाट के फायरिंग रेंज वाला मामला हो, भाषा विवाद हो, 1932 का खतियान वाला मामला हो, ओबीसी आरक्षण वाला मामला हो, लगातार हेमंत सोरेन आक्रामक हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल फ्रंट पे माकूल जवाब नहीं दे पा रही या पार्टी के अंदर कन्फ्यूज़न की स्थिति है, और कन्फ्यूज़न की स्थिति एक वजह से और हो सकती है कि वहाँ ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली हालात तो नहीं है, क्योंकि वहाँ नेता कई हैं, समानांतर हैं। 4-5 नेताओं की बात करें तो सबकी इच्छा है कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही बन जाऊँ, संघर्ष करने की इच्छा कितनों के बीच है। बाबूलाल मरांडी जब से आए हैं तब से हमने देखा है कि वो जाते हैं मिलते हैं। अर्जुन मुंडा राज्य की राजनीति की पृष्ठभूमि से लगभग गायब हैं। रघुवर दास उनको देखकर, या यूं कह सकते हैं कि वो एक पोलराइजिंग फिगर हैं, अगर उनके सपोर्टर हैं तो दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन विरोधी भी उतनी कट्टरता से उनका विरोध करते हैं। तो नेता हैं, नेताओं का समूह है। प्रदेश अध्यक्ष की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि वो कभी भी जन नेता रहे नहीं। तो कुल मिलाकर पॉलिसी फ्रंट पे
रणनीतिक फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंफ्यूजन है, दिखती है, और इसे स्वीकार कर पार्टी जितनी जल्दी आगे बढ़े पार्टी की सेहत के लिए उतना बेहतर होगा। और एक और बात जो भारतीय जनता पार्टी को सुधार करने की आवश्यकता है वो है नेताओं का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, या आम जनता से वो जिस तरह से मिलते हैं। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को आदिवासी परिधान में आदिवासी गांव के किसी मेढ़ पर बैठकर मड़ुआ रोटी खाते देखा था? फॉर्चूनर से चलते बहुतों को देखा होगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को, मैं बाबूलाल मरांडी जो अभी आए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको पिछली बार यहां के स्थानीय भाषा में बात करते हुए आपने कब सुना था? लोकल सेंटीमेंट्स को टच करने के लिए कोई पहल की गई हो, कोई रणनीति बनाई गई हो, इसके बारे में आपने पिछली बार कब देखा या सुना? बार बार इस राज्य की राजनीति आदिवासी मूलवासी के इर्द गिर्द समेटने की कोशिश होती रही, और इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो बताएं जरूर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संगठन के स्तर पर आज भी भाजपा के पास कार्यकर्ता हैं, आज भी नरेंद्र मोदी को लेकर एक छवि है, लेकिन सब कुछ नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। यहाँ के स्थानीय नेताओं को कुछ तो करना होगा। नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के सहारे अगर आप झारखंड की चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि लोकसभा में ये चल जाए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। नमस्कार।